बच्चों, आज हम घातांक के बारे में जानेंगे कि घातांक होता क्या है। तो समझिए, घातांक का सामान्य अर्थ है जिस संख्या के ऊपर जो संख्या अर्थात घात है उस संख्या को उतनी बार गुणा करना जितनी उसके ऊपर क्या है घात है, क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। जैसे माना हमने कोई संख्या हमारी क्या है, ए है, जिसको हम कितनी बार गुणा कर सकते हैं, एन बार गुणा कर सकते हैं। देखिए कितनी बार गुणा कर सकते हैं, एन बार। संख्या कौन सी है आपकी, ए है, तो आप ए को आप कितनी भी बार लिख सकते हो, डॉट 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 ए। हम कितनी बार लिख रहे हैं इसको, एन बार लिख रहे हैं। तो इसको अब कैसे लिखा जाएगा, इसको अगर सांकेतिक रूप में लिखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, ए। ए आपका यहां क्या है, ए है आपका आधार है, और इस आधार को हम इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, घात लिखेंगे। तो यहां घात हमारा क्या है, एन है, तो क्या हो गया, ए की घात एन। ठीक, अब ये जो ए है इसको आप क्या कहते हैं, ये होता है आपका वास्तविक संख्या, जिसको आप क्या कहते हो, आधार भी कहते हो। और यहां पे एन क्या है, घातांक है, इसको आप समझ लीजिए। यहां पे ए आपका क्या है, आधार, ये आपका क्या है, आधार, या इसको आप वास्तविक संख्या बोलते हो। और फिर बात ये आती है एन की, तो एन आपका क्या होता है, घातांक। तो ये जो एन है आपका घातांक, आपको यही इसी चैप्टर में पढ़ना है घातांक के बारे में कि घातांक होता क्या है। अब हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, माना मान लीजिए हमने कोई अंक ले लिया, ये लिया हमने 5 to the power 3, अर्थात 5 घात 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब यहां देखिए यहां घात कितनी है, यहां घात कितनी है, 3 है। तो कहने का मतलब आधार कितना है, 5 है, तो जो आधार 5 है इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। ऐसे इस रूप में हम इसको लिखेंगे। अब हम दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, माना हमने कोई संख्या दी हुई है 10 की घात 5, मतलब यहां 10 क्या है आपका आधार है, और 5 आपका क्या है, घात है, घातांक है। तो कहने मतलब इसको कैसे हल करेंगे, तो 10 को हम कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। कैसे, 10 × 10 × 10 × 10, 3, 4 और एक ये 5, ये हमने 10 कितनी बार लिख दिया, 5 बार। ठीक, अब इसको हल करने हम क्या मिल जाएगा, जब इसको हम हल करेंगे तो 100 × 1000 × 10000 × 1 लाख कितना मिल जाएगा हमको, 1 लाख, 1 लाख। तो कहे मतलब ये 1 लाख आपकी क्या हो गई, संख्या हो गई, ये आपका क्या हो गया, संख्या, ये आपका क्या हो गया, गुणन फल, और ये 10 की घात 5 क्या है, ये 10 की घात 5 आपका क्या है, संक्षिप्त संकेतन है, इसको बोलते हो आप संक्षिप्त संकेतन। इसको हम 10 के ऊपर 5 घात क्या पढ़ सकते हैं, 10 के ऊपर 5 घात, या क्या पढ़ सकते हैं, 10 की घात 5 पढ़ेंगे, है ना। तो यहां पे जो 10 है क्या कहलाएगा, 10 आपका क्या है, 10 आपका क्या कहलाएगा, बेस, क्या कहलाएगा, बेस, जिसको आप हिंदी में आधार बोलते हो, क्या कहलाएगा, बेस। और यहां जो 5 है, 5 आपका क्या है, 5 आपका घातांक है। ठीक, अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, अब मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 625, क्या दिया हुआ, 625। अब करना क्या है आपको, इस संख्या का संक्षिप्त संकेतन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, संक्षिप्त संकेतन। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। देखिए क्या होगा,
गुणनफल। अभी किससे कटेगा, 6, 2, 8, 5, 13 किससे कटेगा, अभी सीधा कट रहा है किससे, 5 से, 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 3 से तभी कटेगा जब तीनों का योग जो है किससे कट जाए, 3 से, किससे कट रही है, 5 से, कितना आएगा 125। अभी फिर किससे कट रहा है, 5 से, 25 पंजे 125, फिर किससे कट रहा है, 5 से, 5 1 5। अब देखिए यहां गुणनफल क्या मिला आपको, 5 × 5 × 5 × 5 गुणनफल क्या मिल गया हमको इसका, 5 × 5 × 5 × 5। तो इसका अगर हमें संक्षिप्त संकेतन ज्ञात करना है तो हमें करना क्या होगा कि ये जो 5 है इसको हम क्या करेंगे, एज इट लिख लेंगे, इसको हमने एज इट इज क्या कर लिया, लिख लिया। अभी कितनी बार आया है, 1, 2, 3 और 4 बार, कितनी बार आया है, 4। तो 4 को हम क्या करेंगे, 5 के ऊपर लिख देंगे, क्या हो गया, 5 की घात 4। इसको आप बोल दोगे कि ये संक्षिप्त संकेतन है, 625 का संक्षिप्त संकेतन क्या हुआ, 5 की घात 4। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं सवाल को। अब मान लीजिए कोई प्रश्न है आपका कि 256 को 2 की घात के रूप में व्यक्त करिए, किसको, 256 को 2 की घात के रूप में लिखिए। इस तरह के प्रश्न आते हैं, 256 को 2 की घात में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 256 का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, गुणनफल। देखिए इसको आप काटोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 × 6 = 12, 2 × 8 64 किसे कटेगा, 32 से, 32 किसे कट रहा है, 16 से, 16 8 8 4 4 2 से 2 1 से। तो यहां 2 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बार, कितनी बार आया है, देखिए 256 आपका आया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 3, 6, 2, 8। हम कह सकते हैं इसको, अगर हमको लिखना हो इसको हम लिख सकते हैं 256 = 2 की घात 8। 8 हम यहां क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कितना इसका गुणनफल कितना आया है, 8 बार। तो इसको हमने क्या किया, 8 को हमने इसके ऊपर लिख लिया। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न पूछा है मान लीजिए कि 8 की घात 2 और 2 की घात 8, इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन कौन बड़ा है। तो देखिए कैसे आप ज्ञात करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, 8 की घात 2 दिया है, क्या दिया है, 8 की घात 2, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देंगे, मतलब 8 कितनी बार लिखना है आपको, 2 बार, कितनी बार, 2 बार। यहां 2 की घात 8 है, इसका मतलब 2 कितनी बार लिखना है, 8 बार। हमने 2 कितनी बार लिख लिया, 8 बार। अब 8 और 8 को गुणा किया आपको क्या मिल गया, 64। और ये जो आपने 2 को 8 बार लिखा है, देखिए ऊपर आपने निकाला था कितना आया था, 256, कितना आया है, 256। अब आपको इन दोनों में ज्ञात करना है कि बड़ा आपका कौन, आपको प्रश्न देख के ही समझ में आ रहा होगा कि 256 आपका क्या है, बड़ा है, मतलब 2 की घात 8 वाली संख्या क्या होगी आपकी, बड़ी होगी। तो मतलब अतः स्पष्ट है क्या कि 2 की घात 8 बड़ी हुई किससे,
8 की घात 2 से। ठीक, अब हम अभ्यास 2A का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया है माइनस 2/3 की घात 5 का मान क्या होगा, माइनस 2/3 की घात 5 का मान क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन कर देंगे, माइनस 2/3 की घात 5, कहने मतलब माइनस 2/3 को हम कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। माइनस 2/3 गुड़े माइनस 2/3 गुड़े माइनस 2/3 गुड़े माइनस 2/3 गुड़े माइनस 2/3, हमने कितनी बार लिख दिया इसको, 5 बार। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे से। सबसे पहले हमको चिन्ह का ध्यान रखना होगा, चिन्ह क्या होगा, यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो हमको क्या मिल गया, ये माइनस मिल गया। अब मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, हमको क्या मिल गया, 32। फिर यहां भी गुणा कर देंगे, 9 3 81 243, कितना मिल गया, 243, ये हमारा है -32/243। अब हमको देखना है कि हमारे विकल्प में ये कहाँ आ रहा है, -32/243, ये देखिए ये आ रहा है, इसलिए आपको विकल्प कौन सा है, इसलिए आपका आंसर सही कौन सा होगा, आंसर सेकंड आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक, देखिए अगले प्रश्न पूछा है 3125 का घाती संकेतन होगा। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3125 का गुणनखंड कर लेंगे, किसका, 3125 का गुणन खंड कर लेंगे। देखिए इन चारों का सम कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, और 11 आपका 3 से कटना है, नहीं 2 से कटेगा, नहीं सीधा किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो इसके आखिर में क्या है, 5 है, तो किससे कट जाएगा, ये 5×6 30 10×5 25, किससे कट गया, ये 625 से। 3125 को आपने 5 से भाग दिया, क्या मिला आपको, 625। अब 625 को आप 5 से भाग दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 125। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। अब गुणनखंड करने पर क्या मिला, गुणनखंड करने पर हमको मिला 5 कितनी बार आया है, 5 बार, इसको हम 5 बार लिख लेंगे, कितनी बार आया है, ये 5 बार, और ये जो 5 बार आया ये आपका क्या हो जाएगा, इसका घाती संकेतन हो जाएगा, 5 की घात 5, अर्थात कौन सा विकल्प सही होगा, आपका पहला सही होगा, इसलिए आपका आंसर फर्स्ट क्या है, सही है। देखिए अगले प्रश्न पूछा है आपका कि 2 की घात 7 का मान क्या होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 2 की घात 7 पूछा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की घात 7, 2 को हम कितनी बार गुणा करेंगे, 7 बार, इसको हम 7 बार गुणा कर लेंगे, ये कितनी बार गुणा हो गया आपका, 7 बार गुणा हो गया, और गुणा करने क्या मिल जाएगा, 2 2 4 4 2 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128, कितना मिल गया, 128, और 128 क्या है आपका, सही है, तो आंसर आपका क्या मिल गया, आंसर थर्ड आपका क्या है, सही है। देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का होल स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर, और यहां भुजा आपका क्या दिया है, 5 दिया है, भुजा क्या दिया है आपका, 5 दिया है, ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, इसको किसको हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे वर्ग मीटर में, ये हो गया आपका आंसर। देखिए अगला प्रश्न आपका दिया है, सरल करिए,
ये दिया है 2 की घात 4, यहाँ दिया है 3 की घात 2, तो हम क्या करेंगे, हम इसको हम पूरी तरीके से ओपन कर देंगे। 2 की घात 4 है मतलब 2 गुणा कितनी बार करेंगे, 4 बार। 2 गुणा हमने कितनी बार कर दिया, 4 बार। और 3 की घात 2 है मतलब 3 का गुणा कितनी बार, 2 बार। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 गुणी 8 गुणी 16 गुणी 32 34 कितना आ गया, 144। यह आपका क्या हो गया आंसर है। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 3 9 16 9 144, इसको अलग अलग या गुणा कर देना। अगला प्रश्न आपका दिया है -2 की घात 3 गुणे -10 की घात 3, जैसे आपने पहले सवाल में किया है वही सवाल आप यहां भी करोगे। यहां हो जाएगा आपका -2 की घात कितना दिया है, 3 दिया है, तो -2 गुणे -2 गुणे -2। अब यहां -10 कितनी बार है, 3 बार, हो जाएगा -10 गुणे -10 गुणे -10। ठीक, अब हमने आपको बताया है अगर चिन्हों का जब आप गुणा करते हो तो होता है माइनस का गुणा, जब आप माइनस से करोगे तो क्या मिलेगा आपको, प्लस। ठीक, माइनस माइनस गुणा क्या होता है, प्लस, और प्लस और माइनस गुणा क्या होता है, माइनस। तो देखिए आप सीधा आप यहाँ क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, उत्तर आप किस में आएगा, प्लस में। अब आप मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 कितना हो गया, ये 8 गुणे 100 में 1000, 8 गुणा किसे करना है आपको, 1000 से, कितना आ जाएगा आपका, 8000। ये आपका क्या हो गया आंसर। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या बोल रहा है कि 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर, 15625 के आधार 5 पर घाती संकेतन के रूप में व्यक्त करिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, 15625 का गुणनखंड ज्ञात कर लोगे, 15625 का। पहले हम इसका टोटल करके देखते हैं, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं क्योंकि आखिरी में 5 है। अब हम 5ों का टोटल करेंगे, सम करेंगे, देखेंगे क्या ये 3 से कट रहा है। देखिए 5 6 6 6 12 2 14 5 19 कितना आ रहा है, योग करने पे 19 आ रहा है, और ये 3 से भी कटेगा नहीं, सीधा किससे कट रहा है, ये 5 से, कितना जाएगा, मिल गया आपको 3125। अभी फिर किससे कटेगा, 5 से, कितना आ गया, 625। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे, 125 और 25 125 25 5 1 5। गुणनखंड करने पे आप क्या मिला, आपने पाया क्या कि 5 कितनी बार आया है, 6 बार। इसको आप कैसे लिखेंगे, 15625 गुणनखंड किया आपने तो आपको 5 मिला 6 बार, इसको आप लिख लेंगे 3 4 5 और ये 6, और ये हो गया आपका 5 की घात 6 क्या आंसर। इस तरह से आप सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इस तरह से आपका अभ्यास 2A आज खत्म होता है।